मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने परिवार के एक सदस्य अतुल पांडे का आर्टिकल सुनाने जा रही हूँ। अतुल पांडे ने बहन भाई के प्यार के ऊपर लिखा है। जितनी भाई इस परिवार में लड़कियाँ हैं सब उनकी बहनें हैं, जितने बच्चे हैं सब भाई उनके। तो कहते हैं, खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिस पे बस खुशियों का पहरा है। नज़र ना लगे कभी, नज़र ना लगे कभी इस रिश्ते को, क्योंकि दुनिया की सबसे प्यारी बहना मेरी है। ए रब मेरी दुआ में असर इतना रखें, ए रब मेरी दुआ में असर इतना रहे, मेरी बहन का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। ये जो बहनों का प्यार है, ये जो बहनों का प्यार है, खुशियों का संसार है, दुनिया का सबसे अच्छा उपहार है। लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, यही तो इन रिश्तों का आधार है। ये जो बहनों का प्यार है, रिश्तों की अलग पहचान है। उनके आने से महक उठा है घर आंगन परिवार है। पाँव में बजती है घुंघरू की झनकार, पाँव में बजती घुंघरू की झनकार है, बगियों में चटकती चिड़ियों की चटकार है। ये जो बहनों का प्यार है, ये जो बहनों का प्यार है। आगे इन्होंने कहा, समय के साथ बदल जाओ या फिर समय बदलना सीख लो, समय के साथ बदल जाओ या फिर समय को बदलना सीख लो। कभी भी किस्मत को मत कोसो, हर हाल में संभलना सीख लो, हर हाल में संभलना सीख लो। आगे इन्होंने चार पंक्तियाँ मेरे लिए भी लिखी हैं, आप लोग बताना कैसी लगी। कहते हैं, ना तो सफ़र एक है, ना तो सफ़र एक है, ना मंजिल ना रास्ते, ना जाने क्यों फिर भी तुम्हारे साथ होने का एहसास अच्छा लगता है, ना जाने क्यों फिर भी तुम्हें महसूस करना अच्छा लगता है, न जाने क्यों फिर भी तुम्हारा प्यार जताना अच्छा लगता है, न जाने क्यों तुम्हारा प्यार जताना अच्छा लगता है। तो अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मन में मेरे लिए इतना प्यार है, सम्मान है। भाई अक्सर ये हमें भेजते हैं, क्या कहते हैं, मैसेज, तो उसमें गुरुजी खड़े हुए हैं और बच्चा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो ये कहते आप तो मेरी गुरु भी हैं। तो जो इनके मन में ये पवित्र भावनाएं हैं, इतना प्यार है, सम्मान है, देख बेहद खुशी होती है। और अतुल आप ही नहीं, हमें तो लगता है इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको मुझसे बेहद प्यार है। भले ही हमारे रास्ते एक ना हो, भले हमारी मंजिल एक ना हो, भले हमारा सफ़र एक ना हो, न जाने कितने लोग लिखते हैं, पाना तुमको नामुमकिन ही सही पर पाने को मचल जाता हूँ। तो ईश्वर करे हमारा आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। मैं तो ये कहती हूँ ना, परिवार के सभी सदस्यों में इसी तरह प्यार बना रहे। जब आप लोग आपस में एक दूसरे का बेहद सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा परिवार एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता है, जिसमें भांति भांति के फूल खिले हुए हैं और सबकी महक अलग अलग है। लेकिन बच्चों, तुम ही सबसे तो ये बगिया गुलजार है। तो भाई आप लोग को अतुल पांडे का ये आर्टिकल कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।